हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल INT प्लस में। दोस्तों, अगर आप भी अपने किसी भी वॉलेट का बैलेंस अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी साइट बताने वाला हूँ जिस साइट की मदद से आप लोग पेटीएम पोस्टपैड, मोबीक्विक पे लेटर, अमेजोन पे, पेजैप, एयरटेल मनी ऐसे कई वॉलेट का बैलेंस अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों को विद प्रूफ के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये जो नई साइट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, यहाँ पे विद प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग मोबीक्विक पे लेटर और पेटीएम पोस्टपैड का अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिए। जैसा कि गाइस मैंने अगली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों को फास्ट पे पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी साइट लेके आऊँगा जहाँ से आप लोग मोबीक्विक पे लेटर और पेटीएम पोस्टपैड, अमेजोन पे और पेजैप, एयरटेल मनी जैसे कई वॉलेट का बैलेंस अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो फाइनली गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग मोबीक्विक एंड पेटीएम पोस्टपैड का बैलेंस अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो विद प्रूफ के साथ वीडियो देने वाला हूँ। गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पे गाइस मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि ये वेबसाइट है क्या और ये आप लोगों को मिलेगी कहाँ पे। तो गाइस ये वेबसाइट आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी, आप लोग सर्च करोगे तब भी आप लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि वेबसाइट 100% जेन्युइन है, रियल है। जो ये साइट है मैंने ऑलरेडी इसको 3 से 4 बार यूज कर चुका हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि साइट एकदम ट्रस्टेड है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो साइट है ये गाइस आप लोगों को मिलेगी कहाँ, तो अगर आप लोगों को ये साइट चाहिए पेटीएम पोस्टपैड या फिर मोबीक्विक पे लेटर का बैलेंस अपने बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, तो दोस्तों हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जैसे ही ज्वाइन हो जाते हैं वहाँ पे आप लोगों को इस साइट का लिंक मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक नहीं दे सकता क्योंकि गैस आजकल जो है यूट्यूब के रूल जो है बहुत सख्त हो रहे हैं, ऐसे में गैस अगर मैंने जो है कोई नियम का उल्लंघन करा तो मेरा यूट्यूब चैनल 1 मिनट के अंदर सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये साइट चाहिए तो भाई टेलीग्राम चैनल पे आइए, बाकायदा आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पे गैस मैं आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ कि आपको क्या प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले गाइस जैसे ही आप लोग इस साइट पे आ जाएंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को कूपन एंड बिल पेमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिए जाएंगे जो कि आपको ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक है, उसके बाद ही आप लोग इसको प्रोसेस करिए। अब यहाँ पे देखिए गाइस पेटीएम का ऑप्शन आ रहा है, मोबीक्विक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, अमेजोन पे का ऑप्शन आ रहा है, ICICI बैंक का जो नेट बैंकिंग का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, नीचे आते रहेंगे धनी का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट मनी का ऑप्शन आ रहा है, क्रेडिट कार्ड, फोन पे, ऐसे कई ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो पेटीएम पोस्टपैड और मोबीक्विक पे लेटर को लेके है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए ट्रांजेक्शन करने से पहले, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि जो बिल पेमेंट फीस आपको लगती है वो 6% के लगती है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका अमाउंट होता है 2 घंटे के अंदर ही सेटलमेंट कर दिया जाता है आपके रिसीवर के बैंक में, यानी कि आप जितने अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हैं वो 2 घंटे के अंदर ही आपके रिसीवर के बैंक में भेज दिया जाएगा बिना किसी दिक्कत के। लेकिन यहाँ पे 6% के चार्जेस लगते हैं, मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है, 6% के चार्जेस लगते हैं। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, चाहे तो यहाँ पे थ्रू मोबीक्विक, चाहे तो पे थ्रू पेटीएम, ठीक है। तो चलिए हम जो है यहाँ पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस जो कि यहाँ पे मिनिमम अमाउंट आप लोगों को बताया जाएगा कि आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो, मिनिमम आप लोग 1500, 2000, 2500, 3000, उसके बाद नीचे आओगे डायरेक्ट 10000, ठीक है। इनमें से कोई अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज इनमें से कोई भी बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करना तो आप लोग पीछे आएंगे, उसके बाद मोबीक्विक वाले ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को वही ऑप्शन मिलेंगे जो कि 1500, 2000, 2500, 3000, ठीक है, इससे ज़्यादा कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। तो चलिए अभी जो है हम यहाँ 1500 वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है गाइस। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, जहाँ पे आप लोगों को आप कुछ डिटेल डालनी होंगी, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जो है फुल नेम डालना होगा ऊपर, यहाँ पे आप लोगों को फुल एड्रेस डालना होगा, एड्रेस में आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी होगी, यहाँ पे बैंक अकाउंट डालना होगा, आईएफएससी कोड डालना होगा और यहाँ पे कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना होगा। तो चलिए ये डिटेल एक बार मैं एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो है अपनी सभी डिटेल दर्ज कर दिया, ओके, अकाउंट नंबर वगैरह आप लोग सही से यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को नेक्स्ट का ऑप्शन मिला, तो चलिए यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, दोबारा से आ जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, ठीक है, जहाँ पे आपका नाम फुल पहले से आ जाएगा, मोबाइल नंबर आपका पहले से आ जाएगा, ईमेल आईडी आप लोग चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, मैसेज कोई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका अमाउंट बताया जाएगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना है, आपके जो चार्जेस है वो इसी अमाउंट से काटे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चलिए मेक पेमेंट वाले पे क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट वाले पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं पेमेंट पेज पे, इसके यहाँ पे आप लोगों को कितने सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यूपीआई का,
डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड का, ठीक है, यहाँ पे नेट बैंकिंग के। अब यहाँ पे देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पे वॉलेट के ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि मूवी क्विक, पेटीएम, अमेजोन पे, ये सारे वही ऑप्शन हैं जो मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरुआत में बताया था। अब आप लोगों को यहाँ पे किस वॉलेट का बैलेंस अपने बैंक में ट्रांसफ़र करना है, यानी कि मूवी क्विक पे लेटर का करना है या फिर पेटीएम पोस्टपेड का करना है, ठीक है। तो अगर आपको मूवी क्विक पे लेटर का करना है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे मूवी क्विक वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे मूवी क्विक वॉलेट अपना लॉगिन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, इसको ओपन होने देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे गाइस मैंने जो है अपना मूवी क्विक वॉलेट लॉगिन कर लिया, मोबाइल नंबर एंड ओटीपी डाल के आप लोग लॉगिन करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट आ जाएंगे वॉलेट वाले सेक्शन पे। अब यहाँ पे देखिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमारा अमाउंट आ रहा है 1500 का, हमने ऑर्डर लगाया हुआ है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 1500 रुपये ही आ रहे हैं, ठीक है। वॉलेट बैलेंस में यहाँ पे आपका जितना वॉलेट बैलेंस होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पे लेटर की लिमिट भी आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस पे लेटर, ये देख रहे हो यहाँ पे आप लोग पे लेटर, ठीक है, जिसकी अवेलेबल लिमिट यहाँ पे 5000 तक मेरे को मिली हुई है, तो मेरी यहाँ पे अवेलेबल लिमिट 5000 ही शो कर रही है, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप लोग पे लेटर से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो एंड डेबिट कार्ड से कर सकते हो। यहाँ पे वॉलेट का भी बैलेंस आ जाएगा, जो कि वॉलेट में अभी मेरे काफ़ी कम बैलेंस है, इसलिए मैं वॉलेट से ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। अब जैसा कि गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग जो है मूवी क्विक पे लेटर का अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो काफ़ी आसानी से 6% चार्जेस देके, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके सामने जो है पे लेटर का ऑप्शन आ गया, अगर आपको इसको ट्रांसफ़र करना है तो पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग इसको डायरेक्ट पे नाउ पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट ये अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है जी। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया कि जो मैं बोल रहा था कि आप लोग मूवी क्विक पे लेटर का एंड पेटीएम पोस्टपेड का दोनों का बैलेंस अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ पे गाइस अगर आप लोग मूवी क्विक लॉगिन करके आते हैं तो यहाँ पे आपके सामने 100% पे लेटर का ऑप्शन ज़रूर आएगा, अगर आपकी लिमिट 1500 से ऊपर है तब, ठीक है। अगर आपकी लिमिट 1000 रुपये या 500 रुपये है तो ऐसे में आपके सामने ये ऑप्शन नहीं आने वाला, ओके। तो यहाँ पे फाइनली मूवी क्विक पे लेटर का मैंने आपको प्रूफ दे दिया। अब यहाँ पे रह गया पेटीएम पोस्टपेड, ठीक है। तो चलिए हम बैक चलते हैं, पेटीएम पोस्टपेड को एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग गाइस आ गए हैं दोबारा से पेमेंट पेज पे, ठीक है, मूवी क्विक वाले पेज से हम लोग बैक आ गए। अब यहाँ पे आप लोगों को पेटीएम का ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ओटीपी से इसको भी लॉगिन करना होगा, जैसे ही आप लोग अपने पेटीएम वॉलेट को लॉगिन कर लेंगे वैसे ही आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम अकाउंट है ये मेरा, यहाँ पे देख सकते हैं ये पेटीएम अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे वॉलेट बैलेंस जो कि 4.92 रुपये बताए गए हैं। अब यहाँ पे गाइस पेटीएम पोस्टपेड का भी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने देख सकते हैं पेटीएम पोस्टपेड, ठीक है, अवेलेबल बैलेंस 500 रुपये, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, यानी कि मेरी पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट इतनी नहीं है, 1500 से प्लस नहीं है जिससे कि मैं इसको ट्रांसफ़र कर पाऊँ, लेकिन यहाँ पे आपको पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसका भी प्रूफ मैंने आप लोगों को दे दिया, ओके। अब चाहे आप लोग इस साइट की मदद से मूवी क्विक पे लेटर का बैलेंस अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर लो या फिर पेटीएम पोस्टपेड का, दोनों का ही ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिलता है। दोनों एप्लीकेशन का प्रूफ मैंने आप लोगों को दे दिया, चाहे आप मूवी क्विक पे लेटर का बैलेंस ट्रांसफ़र कर लो, चाहे तो आप लोग पेटीएम का पोस्टपेड का अमाउंट ट्रांसफ़र कर लो, ठीक है जी। अगर आपकी लिमिट यहाँ पे 1500 से ऊपर होती है तो आपके सामने पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जो कि आप लोग पेटीएम पोस्टपेड सेलेक्ट करेंगे और नीचे पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। आप लोग जैसे पे पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके पेटीएम पोस्टपेड से बैलेंस काट के आपके बैंक में सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने आप लोगों को दोनों एप्लीकेशन का प्रूफ दे दिया, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं गाइस कि बोलते हैं वीडियो फेक है या फिर वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। अब यहाँ पे गाइस आपके बोलने से वीडियो फेक तो हो नहीं जाएगी या फिर आपके डिसलाइक करने से वीडियो फेक नहीं हो जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइट है, जो करेक्ट है, वही आप लोगों को मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि भाई अगर आपका जो फास्ट पे पेमेंट एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करता पेटीएम पोस्टपेड को लेके या मूवी क्विक को लेके, तो ऐसे में आप लोग जो है मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे मैं आप लोगों को विद प्रूफ के साथ बता दूंगा। अब यहाँ पे गाइस अगर आप लोगों को भी ट्रांसफ़र करना है अपने मूवी क्विक पे लेटर की लिमिट या फिर पोस्टपेड की, तो ये जो साइट है गाइस ये साइट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम पे आप लोग जैसे ही आओगे वहाँ पे आप लोगों को इस साइट का लिंक मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर गाइस ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, थोड़ी सी भी आप लोगों को रियल लग रही है, तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए थोड़ा सा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।